कश्मीर न्यूज सर्विस प्रेजेंट। ऐसा है कि हम लोग इस वक्त 15 अगस्त का जो कल का फंक्शन है उसके लिए जगह जगह पर एक्सटेंडेड डिप्लॉयमेंट्स रखी हुई हैं, सिटी के अंदर, सिटी के बाहर और बाकी जगहों पे। और इसके चलते जो आउटस्कर्ट्स के एरियाज हैं, हम लोग अपनी डिप्लॉयमेंट्स को उस एरिया में भी बढ़ा रहे थे। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि आज जहाँ जो नौगाम हमारे सिटी का आउटस्कर्ट्स है उसमें डिप्लॉयमेंट हमारी थी और वहाँ सुबह पर हमारी जो पार्टी है डिप्लॉयमेंट की, जो नाका टीम है जिसमें एसएसबी और पुलिस की टीम शामिल थी, उनके ऊपर अटैक हुआ और उसमें से हमारे 3 जवान जख्मी हुए, जिनमें से 2 शहीद हुए और 1 अभी जेर इलाज है। जहाँ के हालात के मद्देनज़र आप सब जानते हैं कि जहाँ बार बार जो दहशतगर्द हैं वो सिविलियन को, पुलिस को, फोर्सेस को कोशिश करते हैं अपना निशाना बनाने की और कुछ एक जगह पे उनको कामयाबी हासिल होती है, मगर इसके साथ पुलिस और फोर्सेस की तरफ से जो कार्रवाई चलती रही, जहाँ पर कि हम जहाँ पर जो माहौल पहले से बेहतर हुआ है उसको और बेहतर करें और आने वाले टाइम में अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको और तेज़ करें, इसके बीच में कभी इस तरह की वारदातें, क्योंकि पाकिस्तान और उसके प्रॉक्सीज जो हैं वो जहां पर अमनो अमान का माहौल, बेहतर माहौल को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, बार बार इस तरह की साजिशें पार से होती हैं और कोशिश होती है कि जहां जो हालात थोड़ा बेहतरी की तरफ जाते हैं उसमें से रुकावट डालने की कोशिश करें। मगर मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जो एफर्ट्स पीस को और स्ट्रेंथन करने की, अमन को और मजबूत करने की, वो जारी रहेंगी। ये जो 2 जवानों की शहादत हमारी आज हुई है, हम जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम फोर्सेस की तरफ से उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि पेश करते हैं। ये जवान ही उस वक्त ड्यूटी पर तैनात थे कि कल का फंक्शन सुरक्षित तरीके से निकले, आज का माहौल सब जगह पर अच्छा रहे और लोगों की जो आगे पीछे नकलो हरकत अपनी आने जाने की जो मूवमेंट्स हैं वो सुरक्षित रहें। इसके बीच में इस तरह के वाकात होते हैं और जैसे हालात हैं हमें उनको बर्दाश्त करना पड़ता है, मगर हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले वक्त में हम लोग अपना काम जो है वो और मजबूती से करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज सर्विस।